नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। देश में पहले चरण के मतदान होने के साथ ही उत्तराखंड में चुनावी समर थम गया है। इन चुनावों में किसने किसको फचोड़ा और किसने किसको गुमचोट मारी, इसका असल नतीजा 4 जून को सामने आएगा। हालांकि तब तक तमाम चकड़ैत चौराहों को चुनावी चर्चा से गुलजार रखेंगे और अपना अपना आकलन बांसते रहेंगे, लेकिन नतीजों से इतर ये मतदान अपने आप में कई संदेश भी छोड़ गया है। क्या है वो संदेश और क्या कुछ हरका फरका पिछले हफ्ते अपने प्रदेश में, इन तमाम बातों को समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं बारामासा का साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उन्नीस तारीख को हुए मतदान से कुछ दिन पहले बारामासा ने स्वतंत्र विश्लेषक अनूप नौटियाल के साथ एक कार्यक्रम किया था। इसमें तमाम आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि कैसे अपना उत्तराखंड वोट देने के मामले में शुरुआत से ही फिसड्डी रहा है और हमारा राष्ट्रीय औसत से कम वोट करना क्यों एक बड़ी चिंता का विषय है। इस बार चुनाव आयोग ने दावा किया था कि उसने वोटिंग परसेंटेज को 75% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये लक्ष्य हासिल करना तो बहुत दूर। इस बार प्रदेश का वोटिंग परसेंटेज पिछले लोकसभा चुनावों से भी नीचे गिरते हुए सिर्फ 56% के करीब आ गया है। विधानसभा क्षेत्रों की नज़र से देखें तो हमारी कुल 70 में से 21 विधानसभा ऐसी हैं जहां वोटिंग परसेंटेज 50% से भी कम रहा और इन 21 में से 20 विधानसभाएं पहाड़ की हैं। प्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, लगभग वो सारे इलाके मैदान और तराई के हैं। यहां गौर कीजिए कि नीचे के इन इलाकों में न सिर्फ वोटरों की संख्या ज़्यादा है बल्कि यहां परसेंटेज वोट भी ज़्यादा होता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पहाड़ी राज्य का निज़ाम कहाँ से तय हो रहा है। और ये स्थिति तो आज की है जब नया परिसीमन नहीं हुआ है। आने वाला परिसीमन अगर वैसा ही हुआ जैसा कि प्रस्तावित है, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल को नज़रअंदाज करते हुए अगर सिर्फ जनसंख्या को इसका आधार बनाया गया, तो तय मानिए कि पहाड़ सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए रह जाएंगे और हमारी विधानसभा में बिस्लरी पीने वालों की संख्या धारे के पानी पीने वालों की तुलना में कहीं ज़्यादा होगी। राज्य में मतदान इतना कम क्यों हुआ, इसके कुछ कारणों को चिन्हित करते हुए विश्लेषक अनूप नौटियाल बताते हैं कि पलायन तो इसका एक सर्वस्वीकार्य कारण है ही, लेकिन इसके अलावा स्थानीय और मूलभूत सवालों का चुनावी बहस से गायब होना भी एक बड़ा कारण है, जिसके चलते 25 गांवों ने इन चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार किया। इसके साथ ही लोगों में एक उदासीनता भी है जो राजनीतिक विकल्पहीनता से पैदा होती है और वोटर को मजबूर करती है कि वो वोट देने के बजाय ये कहकर गणतंत्र के पर्व से इतिश्री कर ले कि फंडफूक। चुनावों का वीकेंड पर होना, शादियों का मौसम होना, खेतों में काम होना और कई कई वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब होना भी इस बार कम मतदान के कुछ मुख्य कारण रहे। लेकिन दिलचस्प है कि इस बारे में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने इसका ठीकरा भी विपक्ष के सर पर फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली थी, प्रतिस्पर्धा का भारी अभाव था इसलिए मतदान कम हुआ। ये कितना क्यूट बयान है। वैसे वही महेंद्र भट्ट जो चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर फपक फपक के रो पड़े थे और कह रहे थे कि मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है आदि आदि, वही अब कह रहे हैं कि कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। गढ़वाली शास्त्रों में इसे ही पुइया पदान होना कहा गया है, यानी रण क्षेत्र में तो पुइया और बाहर आकर पदान। ऐसी ही पुइया पदानी इस बार चुनाव आयोग की भी खूब दिखी। आम जनता और विपक्ष के नेताओं के लिए तो चुनाव आयोग पदानी दिखाता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष के प्रति पूरी तरह पुइया ही बना रहा। फिर चाहे वो मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने का सवाल हो या फिर मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद होने का नियम, ये सब जैसे सिर्फ आम जनता और विपक्ष के लिए ही थे। अगर ऐसा नहीं होता तो गढ़वाल से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी कैसे हिम्मत करते कि वो मतदान केंद्र के भीतर न सिर्फ मोबाइल ले गए बल्कि उन्होंने इसका बाकायदा वीडियो बनाकर तुरंत ही सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वैसे इस मामले में भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत भेजी थी, जिस पर जिलाधिकारी गढ़वाल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन इसके अलावा कई मामले तो ऐसे हैं जिन पर चुनाव आयोग को स्वतः ही संज्ञान ले लेना चाहिए था। मसलन नियम कहते हैं कि जिन भी क्षेत्रों में मतदान होना हो वहां मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी तरह का चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के लगभग सभी बड़े दैनिक अखबार ठीक मतदान वाले दिन ही भाजपा के चुनाव प्रचारों का गर्भ धारण किए हुए थे और आयोग तो जैसे किसी डाल पर बैठा गुनगुना रहा था, तोता हूं मैं तोता हूं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग का यही पुइया पहलवान अवतार देश भर में देखा जा रहा है। एक तरफ आयोग पहलवान बनकर बयान जारी करता है कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सत्ताधारी दल के ऑफिशियल हैंडल जब ट्वीट करते हैं कि वोट देने जा रहे हैं तो ये जरूर याद रखिए कि रामलला का मंदिर किसने बनवाया, तो आयोग फिर से पुइया बन जाता है। ऐसा ही पुइया वो तब बना रहता है जब खुले आम भगवान राम की तस्वीर लिए उनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हों। भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा के प्रतीक पुरुष हैं।
उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर बुलाते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर जब सारी मर्यादाएं पार की जा रही हैं और चुनाव आयोग अब भी उसी डाल पर बैठा दोहरा रहा है, तोता हूं मैं तोता हूं। बहरहाल और भी गम है जमाने में चुनाव आयोग के सिवा, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए हुए इस मतदान ने प्रदेश की राजनीति के लिए कुछ बड़े संदेश छोड़ दिए हैं। ये पहली बार है जब किसी लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे इतनी प्रमुखता से उभर कर सामने आए कि उनके चलते एक 26 साल का लड़का प्रदेश के सबसे चर्चित प्रत्याशियों में शामिल हो गया। बॉबी पंवार को वोट चाहे जितने भी पड़े हों, उनको सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर मिला जन समर्थन राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। बॉबी पंवार हार जीत के गणित से इतर भी एक ऐसा नाम बन रहे हैं कि अगर डगमगाए नहीं तो केंद्र की कठपुतलियों वाले इस राज्य में उनके सहारे वैकल्पिक राजनीति का सूर्योदय संभव माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बॉबी पंवार के इस उभार के पीछे उनके व्यक्तिगत संघर्ष से ज्यादा फिलहाल कई दुर्लभ संयोगों का एक साथ उनके पक्ष में होना भी रहा, इसलिए अभी से उन्हें बहुत लंबी रेस का घोड़ा मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद तो पैदा कर ही दी है। ऐसी ही उम्मीद कांग्रेस के भीतर गणेश गोदियाल ने पैदा की है, जो इस चुनाव के दौरान निर्विवाद रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। उन्होंने अपने ही बलबूते बेहद नीरस और एकतरफा नजर आ रहे इस चुनाव में जो जान फूंकी है, उससे राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सबक लेना चाहिए। यहां चर्चित भूवैज्ञानिक और उत्तराखंड आंदोलनकारी SP सती का दिया उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है कि आज कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल किवी पक्षी की तरह हो गई, जो कालांतर में उड़ना ही भूल गई है। उसके आधे नेता तो चुनाव से पहले ही भाजपा शरणम हो गए थे और बाकी बचे रणछोड़दास बन गए। गणेश गोदियाल ने कम से कम अपने क्षेत्र में कांग्रेस को न सिर्फ उड़ने के लिए पंख दे दिए हैं, बल्कि राज्य स्तर पर भी मृत शैया पर पड़ी पार्टी को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। गढ़वाल सीट का चुनाव कई और मायनों में भी खास रहा। जिस तरह उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ये क्षेत्र पहाड़ी अस्मिता की लड़ाई का केंद्र बन गया था, ठीक उसी तरह इन चुनावों में यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी रहे। अंकिता भंडारी मामला हो, बेरोजगारी का सवाल हो, मूल निवास और भू कानून का सवाल हो, या फिर अग्निवीर योजना, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो चुनाव के केंद्र में आ खड़े हुए और जिन्होंने सत्ताधारी दल के धुरंधर बयानवीरों को भी पोपला बना दिया। गढ़वाल सीट प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी दोनों ही प्रदेश की राजनीति में अब मजबूत क्षत्रप की तरह स्थापित हो गए हैं। अनिल बलूनी के इस मजबूती से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से प्रदेश भाजपा में बैलेंस ऑफ पावर जबरदस्त तरीके से डगमगाई है और कई पुराने क्षत्रपों के पेट में तो अभी से मरोड़ भी उठने लगी है। अब वो चाहे हारें या जीतें, प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका अब CM इन वेटिंग से आगे बढ़ने वाली ही रहेगी। दूसरी तरफ इस चुनाव ने भाजपा और कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य निपट अंधकार में डाल दिया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम तो रमेश पोखरियाल निशंक और हरक सिंह रावत के हैं, जो कभी उत्तराखंड की राजनीति की धुरी माने जाते थे। अब ये दोनों ही इररिलेवेंट हो जाने की कगार पर पहुंचा दिए गए हैं। यही स्थिति हरीश रावत की भी हो चली है। पिछले विधानसभा चुनावों में एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो पुत्र मुंह में ऐसे फंसे कि सिर्फ एक सीट तक सिमट कर रह गए। अपनी जगह बेटे को चुनाव लड़वाकर वो संगठन की नाराजगी तो झेल ही रहे हैं, और इसमें भी अगर उनकी हार होती है तो उनका ही संगठन कोरस में गा रहा होगा कि तेरु मछोई गाड़ बगीगी ले खा ले अब घमाचा। बहरहाल चुनावी खबरों से आगे बढ़ते हैं अब एक ऐसी खबर की तरफ जिसे राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ ही उत्तराखंड में विशेष सुर्खी बटोरनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यधारा के मीडिया से ये खबर लगभग गायब है। वैसे इस खबर का गायब होना वाजिब भी लगता है, क्योंकि खबर उन बाबा रामदेव से जुड़ी है जो अखबारों और TV के सबसे बड़े विज्ञापन दाताओं में से एक हैं। इन दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबा रामदेव की ऐसी खबर ली है कि उन्हें सूझ नहीं रहा कि अनुलोम कब करना है और विलोम कब। इस मामले को पूरी क्रोनोलॉजी के साथ समझते हैं। दुनिया के तमाम देशों में जब कोरोना वायरस मौत बनकर छा रहा था, हजारों लोग इससे जान गंवा रहे थे, तो बाबा रामदेव दावा कर रहे थे कि ये कोई खतरनाक वायरस नहीं और थोड़ा सा सरसों का तेल नाक में डालने से ही ये वायरस खत्म हो जाता है। फिर जब कोरोना के मामले भारत में भी बढ़ने लगे तो बाबा रामदेव को आपदा में अवसर का गुरु मंत्र याद आया और वो तमाम TV चैनलों पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लगे। यहां तक भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद वो कोरोनिल नाम की एक कथित दवा के साथ उतर आए और उन्होंने दावा किया कि कोविड की वैक्सीन उन्होंने इजाद कर ली है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिक नहीं कर सके थे वो उन्होंने कर दिखाया है और कोरोनिल से कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी कोरोनिल WHO से सर्टिफाइड है। ये दावा पूरी तरह से झूठा था, लेकिन इस दावे के दम पर उन्होंने सिर्फ 4 महीनों में 250 करोड़ का धंधा कर डाला। WHO ने जब इस बात का खंडन किया कि कोरोनिल को उन्होंने सर्टिफाई नहीं किया है, तो बाबा रामदेव तब भी घबराए नहीं,
बल्कि तब उन्होंने और भी ज्यादा आपराधिक काम किया और बयान दिया कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवाई खाने से हो रही है। उन्होंने कहा कि जितने लोग कोविड संक्रमण से नहीं मर रहे उससे ज्यादा तो एलोपैथिक दवाइयों से मर रहे हैं। ये वो दौर था जब देश भर के डॉक्टर अपनी जान हथेली पर लिए कोविड महामारी से लड़ रहे थे, जबकि बाबा रामदेव सिर्फ दुकान चमकाने के लिए ऐसे आपराधिक बयान दे रहे थे। इस पर जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्हें नोटिस भेजा तो उन्होंने अपना बयान तो वापस लिया, लेकिन तब भी वो यही कहते रहे कि ये उनके खिलाफ मेडिकल माफियाओं की साजिश है। इसके बाद साल 2022 में तो पतंजलि ने अपने उत्पाद बेचने के लिए बाकायदा अखबारों में ये विज्ञापन छपवा दिए कि एलोपैथी और डॉक्टर भारत को बर्बाद कर रहे हैं। इस बार मेडिकल एसोसिएशन पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ले गया और उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव की कंपनी भ्रामक और झूठे विज्ञापन छापकर ग्राहकों को बेवकूफ बना रही है। सिर्फ कोविड ही नहीं, कई बीमारियों का इलाज करने का झूठा दावा करने के लिए कोर्ट ने पिछले साल बाबा रामदेव को नोटिस भेजा, लेकिन बाबा ने इसके बाद भी अपने झूठे दावों वाले विज्ञापन जारी रखे। कोर्ट ने जब सख्ती की तो पतंजलि ने बस एक माफीनामा भेजकर मामले की इतिश्री करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने भी इस बार दो टूक कह दिया कि अब सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। वैसे भी पतंजलि पर यह इस तरह का कोई पहला मामला नहीं था। मैगी को कोसते कोसते बाबा जब अपनी मैगी बनाने लगे तो वो परीक्षण में नेस्ले की मैगी से ज्यादा घातक सिद्ध हुई थी, लेकिन राष्ट्रवाद के पानी में उबाली गई थी, इसलिए लोग भी अनुलोम विलोम के साथ सपोर्ट चले गए। पतंजलि के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर खाद्य पदार्थ तक सब पर कई कई बार सिर्फ सवाल ही नहीं उठ चुके थे बल्कि आरोप तक साबित हो चुके थे, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई पतंजलि के खिलाफ नहीं हुई। तब भी नहीं जब उन्होंने कैंसर और बाकी जानलेवा बीमारियों की आड़ लेकर भी झूठे दावे किए। सनातन धर्म या राष्ट्रवाद का पतंजलि की मैगी, शैम्पू या फर्जी दवाओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव ने अपने उत्पाद इन्हीं की आड़ में बेचे और 50,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस सिर्फ इन प्रोडक्ट्स का खड़ा कर दिया। इन दिनों बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में दोनों हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं और संभव है कि कोर्ट उन पर करोड़ों का जुर्माना भी लगा दे, लेकिन सत्ता के बेहद नजदीक होने और अकूत धन संपदा होने के चलते उन्हें वो आत्मविश्वास मिलता है कि हमारी संस्कृति के ये ध्वजवाहक कई बार कहते पाए जाते हैं कि पूंछ फाड़ लो मेरी। आगे बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो साल दर साल पहाड़ के लिए भीषण होती जा रही है। पिछले दो दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों में वनाग्नि की 2 दर्जन से ज़्यादा बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस साल अब तक ऐसी कुल 379 घटनाएं हो चुकी हैं। सिर्फ पिथौरागढ़ जिले में ही अब तक जंगलों की आग से 90 हेक्टेयर वन भूमि जल चुकी है। अभी बरसात शुरू होने में लंबा समय है, इसलिए ऐसी घटनाएं अभी और भी होंगी और इसके निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास हमेशा की ही तरह कम है। बारामासा ने इस मामले पर प्रदेश के 2 जाने माने वैज्ञानिकों से विस्तृत चर्चा की है। आपकी सुविधा के लिए उस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और उसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आपके पास हो तो आप इस मेल आईडी के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सेमनिया पहला।